प्यारे बच्चों, आज लगभग 2.5 महीने बाद मेरी आपसे बात हो रही है। इससे पहले फरवरी के महीने में बोर्ड परीक्षा से पहले हम मिले थे। नहीं जानते थे तब हम कि हमें एक ऐसी विषम परिस्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। ये महामारी भी उन्हीं में से एक है। इस महामारी के चलते मेरा आपसे कहना है कि आप अपने घर में रहें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके लिए एक आरोग्य सेतु ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लें, जो आपकी और आपके परिवार की इस बीमारी से बचने में बहुत मदद कर सकता है। बच्चों, हमने आपके विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ कर दी है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो छात्राओं के लिए बहुत सरल है और रुचिकर भी है, परंतु आपकी जो समस्या है वो मैं समझ सकती हूँ। हमारे प्रत्येक बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है जिससे कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन इसके लिए आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का फोन इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी आप पढ़ाई कर सकती हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकती हैं। लेकिन पढ़ाई सभी को करनी है, क्योंकि हो सकता है ये लॉकडाउन लंबा चले और फिर आपकी पढ़ाई छूट जाए और बच्चे दूसरे आगे निकल जाए। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ जो कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 12 की छात्राओं को करना है। वो क्या है? मेरा टॉपिक है COVID-19 एक वैश्विक महामारी। इस पर कक्षा 10 और कक्षा 12 की छात्राएं 20 वाक्य अंग्रेजी में लिखेंगी और कक्षा 9 की छात्राएं 10 वाक्य लिखेंगी। जो भी आपकी समझ में आए इस विषय पर, आप अपने विचार छोटे छोटे वाक्य बना करके वो लिखें। ग्रामर की कोई अशुद्धि होगी उसके लिए आप चिंता ना करें, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।